यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की चार टेबल्स बनाई गई हैं। पहली टेबल टेबल वन के नाम से है और जिसे कुछ इस हिसाब से रखा गया है कि रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया गया है, इसे नंबर डेटा टाइप रखा गया है, नेम ऑफ स्टूडेंट को जो है शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप रखा गया है और क्लास को नंबर डेटा टाइप रख लिया गया है। तो ये हो गया टेबल वन का हिसाब किताब, ठीक है। फिर टेबल टू पे आते हैं, इसको डिजाइन व्यू पे लेके दिखाता हूँ कैसे ये बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ प्राइमरी की बनाया गया है और इसे नंबर डेटा टाइप रखा गया है, रोल नंबर यहाँ पे है और इसे नंबर डेटा टाइप रखा गया है, फादर नेम है तो फादर नेम को यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट फादर्स नेम होगा, हालांकि यहाँ पे सिटी है और यहाँ पे स्टेट है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से डेटा यहाँ पे दिए गए हैं और टेबल वन का डेटा इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। अब टेबल थ्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ डिजाइन व्यू पे ले लेता हूँ इसको, और ये टेबल थ्री का डेटा है जिसमें स्कॉलर नंबर दिया गया है और इसे भी नंबर डेटा टाइप ही रखा गया है, आप चाहे तो शॉर्ट टेक्स्ट भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे नंबर डेटा टाइप है और सेक्शन यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट रख लिया गया है, ठीक है। तो ये कुल मिला के तीन हमारे पास हो गए हैं। अब ये चौथा टेबल बना हुआ है, चौथा टेबल भी देख लेते हैं। ये चौथा टेबल है कोर्स कोड का, कोर्स कोड को हमने रखा है शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, और स्कॉलर नंबर तो नंबर ही डेटा टाइप होगा और कोर्स नेम तो शॉर्ट टेक्स्ट होगा ही होगा। तो ये चार टेबल बनाई गई हैं, चारों टेबल में हमें रिलेशनशिप क्रिएट कराना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट कराने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले इसको ऑफ कर दिया जाए और ऑफ करने के बाद ही हम रिलेशनशिप क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों टेबल्स को ऑफ कर दिया। आप एक तरीका ये है कि डेटाबेस टूल्स में जाकर डायरेक्टली आप रिलेशनशिप में जा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर जाएंगे और आप क्वेरी विजर्ड पे चले जाएंगे और यहाँ पर सिंपल क्वेरी विजर्ड, ये जो सिंपल क्वेरी विजर्ड है इस पर आप रह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं। तो देखिए टेबल वन में क्या क्या चीजें चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट चाहिए और क्लास चाहिए, तीनों चाहिए, ये ले लिया हमने। अब यहाँ टेबल टू पे आते हैं, तो टेबल टू में हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, रोल नंबर तो पहले से है, फादर्स नेम चाहिए, फादर्स नेम ले लेते हैं, सिटी स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं टेबल थ्री में, तो टेबल थ्री में आएंगे तो यहाँ पर स्कॉलर नंबर चाहिए आपको और सेक्शन चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और टेबल फोर में आते हैं, तो यहाँ पर टेबल फोर में हमें क्या क्या चाहिए, कोर्स कोड चाहिए और यहाँ पे कोर्स का नेम चाहिए, स्कॉलर नंबर तो हमारे पास पहले से है, तो बस यहाँ पर जाइए और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आप अब रिलेशनशिप क्रिएट करा पाएंगे। कैसे क्रिएट कराएंगे अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इन चारों टेबल्स को यहाँ पे लेके आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये जो रोल नंबर है ना, इस रोल नंबर का रिलेशनशिप इससे क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये विंडो ओपन होगी। तो यहाँ इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स कर दीजिए और कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स वन टू मेनी रिलेशनशिप ये क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए क्रिएट हो गई। अब ये स्कॉलर आईडी स्कॉलर नंबर दिख रहा है आपको, तो स्कॉलर नंबर यहाँ पर है, तो स्कॉलर नंबर को स्कॉलर नंबर से लिंक करा दीजिए, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर इन तीनों पर टिक करके वन टू मेनी रिलेशनशिप अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते समय उन्होंने गलती कर दी है, खैर देखते हैं ये रिलेशनशिप क्रिएट हो पाती है या नहीं, वैसे हो जानी चाहिए। तो ये हो गया और ये देखिए यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे तो ये भी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने नेम की जो स्पेलिंग है वो गलत कर दी है, यहाँ पे आर ए कर दिया था और यहाँ पे आर ई किया हुआ है, फिर भी ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या है, रिलेशनशिप तो क्रिएट हो गई लेकिन समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही टेबल वन पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर ये प्लस का साइन दिखेगा, ठीक है ना। अब प्लस का साइन दिखेगा तो आपको ये पता करना है कि रोल नंबर वन जिसका नाम हर्ष है वो जो कि क्लास टेंथ में पढ़ता है, ठीक है। अब इस पर क्लिक कीजिए तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 2001 है, ठीक है, और जिनके पिता का नाम क्या है, ब्रजेश नाथ तिवारी जो भी है, और ये रहने वाले कहां के हैं, देवरिया जिले के यूपी के रहने वाले हैं। और फिर यहाँ पर भी प्लस का निशान बना हुआ है तो प्लस पर क्लिक कर दीजिए। जिनकी स्कॉलर आईडी क्या है, 101 है, और जिनका सेक्शन क्या है, ए है, ठीक है। अब यहाँ पर भी प्लस का निशान है तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इनका कोर्स कोड है B01 और इन्होंने कंप्यूटर ले रखा है, मतलब कंप्यूटर में कुछ कोर्स कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये फायदा होता है रिलेशनशिप का, समझ आ रही है बात, इसका बहुत फायदा है, ठीक है। जब आप पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो और भी फायदे आपको नजर आएंगे, ठीक ना।